में बात नहीं करूंगा, नहीं, तर्कपूर्ण बात करिए तो ठीक है, ये क्रिकेट की कॉमेंट्री नहीं है, इतिहास भूगोल की समझ नहीं, कानून की मर्यादा की जानकारी नहीं, जो देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं हम उनको रिहाई देने का काम कर रहे हैं। मेरी सहानुभूति मुस्लिमों के साथ भी है, मेरी सहानुभूति हिंदुओं के साथ भी है, मेरी सहानुभूति हर उस आदमी के साथ है जो निर्दोष है और जेल में सड़ रहा है, लेकिन वो समग्रता में होना चाहिए। ठीक बात है, वो सब एक चश्मे के साथ होना चाहिए। दो चश्मे मुझे मंजूर नहीं जी, उसका नाम रियाज हो या उसका नाम रघुवीर हो, शासन के लिए बराबर होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अदालत आपके मुंह पर तमाचा मारेगी ये मैं अब जानता हूं, लेकिन मेरी पीड़ा तब भी कम नहीं होगी क्योंकि मैं इस बात से दुखी हूं कि जिसको हमने वोट दिया, उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखने का के लिए कलम दी, उसने तो कम से कम अपनी तरफ से कोशिश करके दिखा दी ना ये पक्षपातपूर्ण काम करने का। ठीक बात, ये पीड़ा का विषय है, अदालत क्या करेगी हमको पता है। और अंतिम बात कहूंगा, फिर जो मैंने शुरुआत में कही थी, योगी जी ने उसका समर्थन किया था, मेरी जानकारी है कि गोरखपुर के स्थानीय प्रशासन ने इस पक्ष में अपनी सहमति नहीं जताई थी, लेकिन फिर भी चूंकि सरकार सरकार होती है, उसकी असहमति को दरकिनार करके सरकार ने लीगल ओपिनियन लेके चीज को फाइनल कर दिया। ये नजीर बनेगी हिंदुस्तान में, ये नजीर बनेगी सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने के लिए, ये नजीर बनेगी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए। और मैं अपने 18 करोड़ दर्शकों के सामने एक बात बहुत साफ साफ कह देना चाहता हूं, कहने वाले कह भी रहे होंगे, तमाम तरह की बातें कह रहे होंगे, लेकिन मेरा नाम अतुल अग्रवाल है, अगर अब्दुल रऊफ होता ना तब भी मैं यही बात कहता। ये बात जहन में बैठा लीजिए, जो गलत है वो गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जो सही है उसको सही कहना भी आना चाहिए। समाचार प्लस पर हमारा संपादकीय पक्ष सिर्फ इतना है कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी एक सही काम को गलत तरीके से कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष है वो जेल में बंद है, वो किसी भी धर्म जाति मजहब क्षेत्र का रहने वाला क्यों ना हो, उसके खिलाफ मुकदमे वापस होने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेकर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में सामाजिक विघटन पैदा कर रही है? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज नहीं तो कल सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नीतिकारों को, थिंक टैंक को देना होगा, क्योंकि अब नहीं जागेंगे तो हम कब जागेंगे, यह बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, तिवारी जी बहुत धन्यवाद, अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप, सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम, जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं, आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम, आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका,
एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाई। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां होने वाले निकाय चुनावों में सभी सियासी दलों ने अपने अपने दिग्गजों को मोर्चों पर तैनात कर दिया है। सभी हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं कि उनके प्रत्याशियों की जीत हो, लेकिन ये कहां मुमकिन है कि सबकी जीत हो जाए, किसी को तो हारना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही दिग्गज नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, अमिताभ जी हमारे साथ हैं, देहरादून आपको लेकर चलेंगे, राजीव महर्षि साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भाई रविंद्र जुगरान आज फिर हमारे साथ हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अभिकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं, आप सभी लोगों से की करके इस मुद्दे विशेष पर बातचीत करेंगे। जी हां, तो उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर पार्टियों में घमासान जारी है, इस घमासान में अब पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं। नगर की समस्याओं से जुड़ा ये चुनाव अब राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा से भी जुड़ता जा रहा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचार में प्रदेश भर में सभाएं कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, सतपाल महाराज, प्रदीप टम्टा और केसी बाबा जैसे 4 सांसदों के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या जैसे बड़े दिग्गज नेता भी प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं। ये अलग बात है कि सीएम बहुगुणा निकाय चुनाव को प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ रहे, अलबत्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव जो होता है इसमें प्रतिष्ठा या अभिमान नहीं होता है। चुनाव में हम अपनी बात करते हैं, विपक्ष अपनी बात करेगा और जनता यहाँ की निर्णय लेगी। पूरे उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है या जागरूकता है, आंदोलन से उन्होंने राज्य लिया है, तो इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं और हमने जो कहा है वो करके दिखाया। लेकिन कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल मानते हैं कि चुनावों में पार्टी के साथ नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी जुड़ जाती है। प्रतिष्ठा तो पार्टी की जीत हार से हर व्यक्ति की बंधी हुई होती है, ये कोई इंडिविजुअल की प्रतिष्ठा नहीं है, पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा होती है और पूरा पार्टी का जीत पार्टी की होती है, हार भी पार्टी की होती है, तो मैं इसे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ के पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़ता हूँ। इधर निकाय चुनावों में बीजेपी के दिग्गज नेता मसलन खंडूरी, कोश्यारी और खुद प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तीरथ सिंह रावत की सरपरस्ती में ये पहला ही चुनाव है। वहीं खंडूरी पर ज्यादा दबाव इसलिए भी है क्योंकि तीरथ को जिम्मेदारी दिलाने में उनका बड़ा हाथ था, ऐसे में उन्हें भी ये साबित करना है कि उन्होंने गलत फैसला नहीं लिया है। पार्टी सिंबल पर चुनाव होना यानी सीधे सीधे नेशनल और प्रदेश का भी इशू होना, तो स्वाभाविक है हर कोई, और मैं सोचता हूँ कि इसके लिए सब लोग लगे जुटे हैं और हमारे उस पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी विधायक सभी वरिष्ठ लोग इसमें लग गए जुट गए। तो निकाय चुनाव में किसकी प्रतिष्ठा बचेगी और किसके हिस्से आएगी जीत की ध्वज पताका, ये देखने वाली बात होगी। निकाय चुनाव को भले ही गली मोहल्ले का चुनाव कहा जाता हो, लेकिन इस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या ये दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करवा पाते हैं या नहीं। कैमरामैन विजेंद्र रतुड़ी के साथ मैं पंकज कुमार, देहरादून समाचार प्लस। अविकल भाई, दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है
वो तो तब चैनलाइज होगी इन अ पॉजिटिव मैनर जब अंतर कलहों को निपटाने में के बाद कुछ बचे। अंतर कलह से तो ये एनर्जी जो है वो अनगाइडेड होती जा रही है, वो चैनलाइज कैसे होगी, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? और कांग्रेस में सिर पटुवल ज्यादा है। देखिए अतुल भाई, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस के अंदर बेशक लोग ये कह रहे हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी होती है, पार्टी की जिम्मेदारी होती है जीत या हार की, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और एक परिणाम की ओर नजर आ रहा है, दिख रहा है कि ये परिणाम आ सकता है, वैसे वैसे जो कांग्रेस के जो अन्य छत्रप है वो कुल मिला के अंदर खाने यही बात कर रहे हैं कि इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार के कार्यों की होगी और मुख्यमंत्री की होगी। क्योंकि इस निकाय चुनाव में हम ये चीज देख रहे हैं कि इसका जो भी परिणाम आएगा, कल भी हमने चर्चा की थी, आज भी करेंगे, उसका बड़ा दूरगामी असर देखने को मिलेगा कांग्रेस के अंदर। किसके ऊपर सबसे ज्यादा कहता हूं ना, ना किसके ऊपर असर सबसे ज्यादा? अविकल भाई, अगर ये पिन पॉइंट करके चले तो फिर चर्चा में और ज्यादा मजा आएगा। मुझे ये लगता है कि इसमें अगर पॉजिटिव आएगा तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाएगा, नेगेटिव आएगा तो उसका भी अपयश मुख्यमंत्री को जाएगा। हाँ, और जो विघ्न संतोषी बैठे हैं, विघ्न वही मैं कह रहा हूं, जो विघ्न संतोषी है, जो असंतुष्ट है, उनकी पूरी कोशिश यही है कि इसका जो भी हार का जो भी ठीकरा हो वो मुख्यमंत्री के सर पे फूटे, ताकि आने वाले कल में हम अपना रास्ता सुगम बना ले सत्ता की ओर, और 10 जनपद को ये समझा दें कि भाई लोकसभा चुनाव करीब है, उससे पहले जब 15 लाख वोटर में 30% आबादी में हम खड़े नहीं उतर सके तो आगे क्या होगा। तो ये जो बात जितनी हो रही कि पार्टी के अंदर सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक वो होता है, ऐसा कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले कल में अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो जो सर फुटबॉल होगी उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, और एक बड़ा सत्ता संघर्ष एक बार फिर यहाँ शुरू होगा। आपको मैं याद दिला दूं, बीजेपी में भी ऐसा ही हुआ था। अविकल भाई, सत्ता संघर्ष जो सिर फुटबॉल जो शुरू होगा, उसकी जो आखिरी परिणति है, जो रिजल्टेंट है, जो परिमाण है, वो क्या किसी बदलाव की तरफ इशारा करेगा? देखिए हमेशा ऐसा ही होता है, मैं इसी बात पे आ रहा था जो अभी आप कह रहे हैं कि 2008 के जब निकाय चुनाव हुए थे तो बीजेपी एक सीट ज्यादा लाई थी कांग्रेस से। हाँ। और 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पांचों सीट बीजेपी हार गई थी। हाँ। अगर सामूहिक जिम्मेदारी की बात होती तो पूरे देश में ही बीजेपी हारी थी। हाँ। लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी की बात होती तो खंडूड़ी जी की कुर्सी नहीं जाती, लेकिन ठीक रहा सारा खंडूड़ी जी के सर पे फोड़ा गया कि भाई इनके कारण हम हार गए, हारी तो पूरे देश में थी बीजेपी। अविकल जी, इस नगर निगम और के चुनाव पार्षद सामूहिक जिम्मेदारी इन सब से हट के आज एक बड़ा घटनाक्रम और घटा। जी जी, मैं उसकी टाइमिंग को लेकर हैरान हूं। आज 25 है ना, 26 को कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा शाम 5 बजे, 28 को वोट है जी। चुनाव प्रचार बंद होने की पूर्व संध्या पर आज शाम 6 बजे पंडित नारायण दत्त तिवारी ने 10 जनपद में प्रवेश किया और एक लंबी 40-45-50 मिनट की मुलाकात करके कांग्रेस अध्यक्ष से उन्होंने बाहर का रुख किया। ये मुलाकात और इसकी टाइमिंग क्या कहती है? क्योंकि मेरी अपनी जानकारी है कि लंबे समय से, कई महीनों से कांग्रेस अध्यक्ष और नारायण दत्त तिवारी संवाद में नहीं थे। ये पहला अवसर है उनके हैदराबाद से आने के बाद नारायण दत्त तिवारी के, जब उनमें और कांग्रेस अध्यक्ष में 1-to-1 लंबी बात हुई है। अमिताभ जी, 2009 में जब हैदराबाद का कांड हुआ था दिसंबर में और तिवारी जी ने इस्तीफा दिया था और वो देहरादून आ गए थे, उसके बाद से 10 जनपद ने उनसे बहुत दूरी बना ली थी और महर्षि जी भी यहां पे मौजूद है और कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे उत्तराखंड के, उन्होंने भी तिवारी जी के यहां जाना बंद कर दिया था, बिल्कुल बायकॉट कर दिया था। मैं वही पूछ रहा हूं कि आज न्योता क्यों आया शक्तिपीठ से, आज न्योता क्यों आया? अब तो नवरात्र भी नहीं है। न्योता आया या वक्त मांगा? नहीं, वक्त कांग्रेस शक्तिपीठ में वक्त मांगने का कोई बहुत महत्व नहीं है अतुल। अच्छा, वक्त तो पंडित जी ने मुझे बोला, पंडित जी ने लंबे समय तक वक्त मांगा, नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, आज मिला। कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता है जो जब फुर्सत पाता है तो एक चिट्ठी भेज देता है? अच्छा, महर्षि जी ये बताइए, आज शक्तिपीठ से जो है देवी प्रसन्न हुई और वरदान स्वरूप वक्त दिया गया और लंबी मुलाकात हुई। अगर कर्सी कॉल होती तो 5-7 मिनट में हो जाती है कर्सी कॉल। हाँ, हाँ। गुलदस्ता लेना देना हो तो 5 मिनट बहुत होते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी कांग्रेस के एक विकास पुरुष
कांग्रेस में माने जाते रहे हैं, जिनको भूला दिया। आपको याद आ गया, आपको याद आ गया महर्षि जी? देखिए हमें याद है, हमें जब वो याद है वो हैदराबाद से आने के बाद देहरादून में रहे। मैं एक दर्जन कांग्रेसियों को जानता हूँ जो रात के अंधेरे में आनंद बन जाते थे, दिन में कोई नहीं जाता था। तो हमें हमेशा उनकी याद रही और हमेशा हम उनके टच में रहे।